हे गाइस, इस मेकअप आर्टिस्ट सोल्यूशन में स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकअप आर्टिस्ट सोल्यूशन पर। तो गाइस, जैसा आप लोगों को पता है कि कोविड चल रहा है, तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर होंगे, सेफ होंगे। बहुत ही ज़्यादा नीड हो तभी प्लीज़ घर से बाहर निकले, नहीं तो घर से बाहर ना निकले और प्रॉपर मास्क का यूज़ करें। अगर घर से बाहर निकले तो प्रिकॉशंस यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें। ओके गाइस, भगवान से प्रे करते हैं कि ये जो कोविड है जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए मेकअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अपनी स्किन प्रेप कर ली है, जैसे मैं हर वीडियो से पहले अपनी स्किन को प्रेप करती हूँ। अब यहाँ मैं अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो मैंने अपने आईब्रोज एक्स्ट्रा फिल नहीं किए हैं, जो शेप है उसी को फॉलो करते हुए जिसने फिल किया है। फॉल आउट हो वो इजिली रिमूव हो जाए। यहाँ मैं ब्लैक आई शेडो यूज कर रही हूँ। अब इसे अपने आई शेप में डिपॉजिट करूंगी। मैंने लाइट ब्राउन आई शेडो लेके ब्लेंडिंग ब्रश, स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से जो उसकी क्रीज है उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। तो यहाँ मैंने एक ब्लू कलर लेके जहाँ पर ब्लैक आई शेडो यूज़ किया था उसके ऊपर डिपॉजिट करूँगी, जिससे जो हमारे ब्लू कलर है उसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो विजिबल एक्स्ट्रा विजिबल होगा। अगर मैं इसे सिंगल विदाउट ब्लैक के सिंगल पुट करती तो इतना विजिबल नहीं होता। अब यहाँ पर मैंने एक लाइट ब्राउन कलर लिया है और उसे ब्लेंड कर दूँगी। आप देख सकते हैं मैंने जो आई शेडो है वो ब्लेंड हो गया है। यहाँ मैंने ब्राउन शिमर लेके अपने फिंगर की हेल्प से टैप टैप मोशन में डिपॉजिट कर दिया है। मैंने ग्रीन आईलाइनर ड्रॉ किया हुआ है। जैसे आप लोगों को मैंने बोला था कि देखिए जो भी मेरा आई शेडो फॉल आउट हुआ था वो कितना इजीली रिमूव हो गया और कुछ ही मिनट में कितना ब्यूटीफुल सा जो आई मेकअप है वो क्रिएट हो गया। ये आई मेकअप कोई भी क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ मैंने करेक्टर यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थे, डार्क सर्कल वगैरह ज़्यादा नहीं थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ कंसील की हेल्प से जो कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हाइड कर लिया है। फिर अब एक फाउंडेशन ब्रश से अपने फाउंडेशन को पूरे फेस पर स्प्रेड कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं पहले मैंने फाउंडेशन ब्रश से अपने फाउंडेशन को अच्छे से स्प्रेड कर लिया, जिससे वो एक फेकी फील ना दे। आप डायरेक्ट किसी भी ब्रश से उसको डिपॉजिट ना किया करो क्योंकि उससे वो फाउंडेशन वो हमारा फेकी लगता है। अब एक वेट मेडल ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। एंड आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा फाउंडेशन है कितना नेचुरल इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पर मैं कॉन्टूरिंग कर रही हूँ।
का यूज़ किया है, अगर आपको उसका नेम जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं सारे नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। करते हुए मैंने प्लस डिपॉजिट कर लिया है। इन बार यह थी हाइलाइटर की। तो यहाँ मैं ब्लू काजल यूज कर रही हूँ। अगर आपको जानना है कि काजल किस ब्रांड का है या फिर इस काजल के बारे में आपको पूछना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपको इस काजल के जो भी और शेड्स हैं उसके लिए प्रॉपर दूसरी वीडियो बना कर दूँगी। तो ये हमें ब्लू आई शेडो यूज़ करें नीचे या इसके नीचे स्मजिंग देने के लिए। हाइलाइटर यूज कर लिया है। ओके गाइस, तो प्लीज बताइए आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं पूरे लुक के साथ। अगर आपको मेरा लुक पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। ओके गाइस, मिलते हैं पूरे लुक के साथ। Bomb figure.